सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों। मैं अंकित, आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जियो की तरफ से लॉन्च हुआ एक खास तरह का प्लान, जहाँ आपको बहुत सारी वैलिडिटी बहुत ही कम चार्जेस में मिलने वाले हैं। जी हाँ, 395 के प्लान के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ जियो के, जहाँ आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है गाइज। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ के साथ मैं इसमें आपको एयरटेल और VI के प्लान्स भी कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्यों ये प्लान इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों ये प्लान आपको सबसे बेस्ट प्लान बना सकता है, आपका सबसे बेस्ट प्लान बन सकता है गाइज। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, जियो की तरफ से एक नया प्लान लॉन्च हुआ है, जिसकी जो वैलिडिटी है वो 84 डेज की है गाइज। 3 महीनों की वैलिडिटी के साथ 395 का जो ये प्लान है गाइज, जिसमें आपको 6 GB का डेटा 3 महीने तक आप यूज कर सकते हैं, जो कि ट्रूली अनलिमिटेड डेटा जैसा ही है गाइज। जब ये डेटा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी 64 KBPS की स्पीड के साथ आपका इंटरनेट स्पीड बरकरार रहेगी। जी हाँ, ये प्लान इसीलिए ये खास है। अगर मैं बात करूँ एयरटेल और VI प्लान्स की, तो यहाँ आपको 399 के प्लान्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं इन प्लान्स को कंपेयर करता हूँ, 395 का प्लान जो कि जियो का प्लान है, जिसमें आपको 6 GB टोटल डेटा मिलता है 3 महीनों के वैलिडिटी के साथ, मतलब 3 महीने तक आपको कुल 6 GB का डेटा मिलता है, और वो जब डेटा ख़त्म हो जाता है गाइज, तो 64 KBPS की स्पीड के साथ आप आगे भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। मतलब ये ट्रूली अनलिमिटेड ही डेटा आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें एयरटेल और VI की, तो यहाँ आपको 399 के प्लान में 2.5 GB का डेटा, 2.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है गाइज वो 28 डेज की होने वाली है। मतलब 1 महीने के लिए ही आपको ये मिलने वाला है गाइज प्लान। वहीं बात करें 399 वाले प्लान की, तो ये आपको 3 महीने तक की वैलिडिटी के साथ आपको अवेलेबल हो जाता है गाइज। बात करें इसमें कॉलिंग की, तो गाइज यहाँ आपको तीनों ही कंपनी के प्लान्स में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का फीचर तो मिल ही जाता है गाइज। बात करें SMS की, तो गाइज जियो का जो ये प्लान है 395 वाला, इसमें आपको 1000 SMS आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि टोटल 1000 SMS आप यूज कर सकते हैं पूरे 3 महीने तक। वहीं बात करें एयरटेल और VI की, तो यहाँ पे 100 SMS पर डे के हिसाब से देखने को मिलता है। बात करें सब्सक्रिप्शंस की, तो यहाँ आपको जियो ऐप के सभी एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं इस प्लान के साथ। वहीं बात करें एयरटेल और VI की, एयरटेल में आपको अपोलो 24/7 का जो सब्सक्रिप्शन है वो देखने को मिलेगा, विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, हेलो ट्यून का सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और फास्टैग में आपको रिचार्ज करने पर 100 रुपये का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें VI की, तो यहाँ आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, और वहीं VI मूवीज का VIP सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। गाइज एट लास्ट अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो 395 वाला जो प्लान है गाइज, ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 GB का डेटा, मैं मानता हूँ कि टोटल 6 GB का डेटा मिलता है, बट उसके बाद अगर ये 6 GB का डेटा आप यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आपको 64 KBPS की स्पीड के साथ इंटरनेट चलता रहेगा, आपका कभी नहीं रुकने वाला। इसे एक तरह से ट्रूली अनलिमिटेड डेटा आप कह सकते हैं कि जियो की तरफ से आपको ऑफर मिल रहा है 395 के प्लान में गाइज। वहीं 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ ये प्लान आपको अवेलेबल होने वाला है। मतलब 84 डेज के लिए आपको SMS, कॉलिंग के फीचर और जितने भी सब्सक्रिप्शन है जियो की, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो सब आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें एयरटेल और VI की, तो यहाँ पे 399 के प्लान में भी आपको 1 महीने के लिए ही ये सब देखने को मिलेगा। बस यहाँ फ़र्क इतना ही रह जाता है गाइस, यहाँ पर डे के हिसाब से 2.5 GB का डेटा मिलता है। और वहीं बात करें जियो में, तो यहाँ आपको अनलिमिटेड डेटा आप बोल सकते हैं, 6 GB के बाद जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो 6 GB तक चलेगा, उसके बाद आपको अनलिमिटेड डेटा, 64 KBPS की स्पीड भी कम नहीं होती, अच्छी खासी स्पीड होती है, जिसमें आपको डेटा भरपूर मात्रा में यूज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ प्लान्स थे जो मुझे आपको बताने थे, जो कि मैंने आपको एयरटेल और VI के साथ कंपेयर करके बता दिया है। जियो का प्लान क्यों किफ़ायती है, क्यों ये अच्छा प्लान है, मैंने वो सब डिटेल्स आपको बता दिया है। आई होप आपके क्वेश्चन का जो आंसर वो आपको मिल चुका होगा। तो ये नया प्लान था जो जियो की तरफ से लॉन्च हुआ था गाइज। ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियोस के लिए मुझे जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस आपके प्यार के लिए। थैंक यू।